जब भी आपके पास ऑनलाइन का पौधा पहुंचे, एडेनियम या और कुछ भी, अब इस पाउडर को यूज़ कीजिए। इस पाउडर को पानी में थोड़ा सा घोल लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घोल लीजिए। फिर इसके हाथ से या कुछ से ऐसे कर लीजिए, घोल लीजिए और अपने पौधों को, सारे पौधों को एक साथ ऐसे आप इस पानी में रख दीजिए। ये फंगिसाइड पाउडर है, फंगस से आपका पौधा को सुरक्षा देता है। रखने के बाद उठा लीजिए और कहीं पे छावदार एरिया पे या थोड़ा सा हल्की धूप वाले एरिया में रख दीजिए। जब सूख जाए तब फ्रेंड हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे रिपोर्टिंग करना है। जब सूख जाएगा हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि कैसे इसको रिपोर्टिंग करना है। पूरा प्रोसीडियर आज हम आपको बताएंगे, फॉलो कीजिएगा जरूर। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन में एडेनियम या दूसरा कुछ पौधा खरीदते हैं, ये फॉलो करने से आपका प्लांट का जीने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्रेंड, गार्डनिंग का शौक़ तो हमें होता है पर हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए हम जो करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड है प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र डालूँ, क्या कैसे रिपोर्ट करूँ, यही सब पूछते हैं आप लोग। तो मैं इतना आपको बता दूँ कि पौधा जब लगाना है पहली बार ऑनलाइन से ला के, फर्स्ट टाइम कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। पहले आपको इस प्लांट का रूट्स को ग्रो करना है। जब आप इस प्लांट को रिपोर्ट करना है तो आपके पास अगर प्लेन कोकोपीट होगा या प्लेन रेत होगा, थोड़ा उसके साथ सॉयल मिला के, हम तो कोकोपीट में ही यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉट्स, कौन सा पॉट्स आप सिलेक्शन कर रहे हैं। सभी, लगभग सभी फ्रेंड जो खरीदते हैं इस, ये पौधा को एकदम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा गमले में लगा देते हैं कि दोबारा और ना कुछ ना करना पड़े, पर ये ठीक नहीं है फ्रेंड। इस पौधा जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो हम हर वक्त ऐसे छोटे छोटे पॉट्स यूज़ करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉट्स। ये देखिए, ये 3 इंच का पॉट है, ये देखिए ये 4 इंच का पॉट है। तो ऐसे पॉट्स में लगा के पहले इस प्लांट का रूट्स ग्रो किया जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं जमता है, इसमें प्लांट सबसे अच्छा बढ़िया रूट्स ग्रो करता है। जब इसका रूट्स ग्रो हो जाएगा तो आपको इसका ऊपर का लीव्स भी नज़र आ जाएगा। जब लीव्स आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि प्लांट ग्रो हो रहा है। अगर आप बहुत बड़ा ये पौधा लेके बहुत बड़ा पॉट्स में लगा देते हैं तो क्या होगा, पानी ज़्यादा उसको जम के रहेगा, ग्रो होने में मुश्किल होगा। तो ऑलवेज आप ऐसे छोटे पॉट्स यूज़ कीजिए जिसमें हर एक पौधा अलग अलग डालिए। जब लीव्स आ जाएगा तब आप उसको उठा के दूसरा जहीं भी आपको रिपोर्टिंग करना है, जो बड़ा पॉट है, कहीं सुंदर पॉट है, उसमें कीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको हम कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, हम कोकोपीट में इस पौधे को रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी। ऐसे हर एक पौधा को आप ये 4 इंच पॉट या 3 इंच पॉट जो छोटा है इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसमें आपका पौधा हेल्दी रहेगा, ग्रो करेगा और लीव्स जब आ जाएगा, रेडी हो जाएगा, तब आप नए पॉट में रिपोर्टिंग कीजिए। पर पहली दफ़ा इसको बड़ा पॉट में मत कीजिए। और कोकोपीट प्लांट को रूट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट है फ्रेंड हमारे हिसाब से, या तो आप गार्डन सॉइल के साथ थोड़ा सैंड में रख दीजिए, नहीं तो आप कोकोपीट में रिपोर्ट कीजिए। पहली चरण का पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो ये फॉलो कीजिए अपने एडेनियम के साथ और आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ऐसे रिपोर्टिंग कीजिए और पौधा को थोड़ा शेडी एरिया में या छावदार एरिया में रखिए, जैसे कड़ी धूप में पहले ही ना डाले, 10 दिन ऐसे रख के फिर आप उसको कड़ी धूप में डालिए और पानी देते जाइए, आपका पौधा तुरंत ग्रो होगा। फ्रेंड, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए वीडियो हम लाते हैं। हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ना जाने कौन सा आपको चाहिए
हो सकता है आपका फेवरेट पौधा भी आ जाए हमारे चैनल में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।